नमस्ते एक प्रश्न है किसी का कि बहुत ही सभी का है कॉमन क्वेश्चन है कि भूलों को सुधारा कैसे जाए इस पर अंग्रेज़ी में हम लोगों की एक वार्ता हो चुकी है लेकिन हिंदी में कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो ये सच है कि जीवन में इरेजर नहीं होता और ऐस, ऐसा भी नहीं है एक तरह से होता भी है मृत्यु इज द ग्रैंड इरेजर जहाँ जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो सब कुछ इरेज कर देता है लेकिन फिर भी उससे हमारी भूलें समाप्त नहीं होती हैं जिसको हम भूलें कहते हैं और ये प्रश्न है कि उसको हम कैसे सुधारें तो भगवान की सृष्टि में हर चीज़ के पीछे एक बहुत गहन प्रयोजन होता है और इसलिए उसकी गहराई में जाके हमको समझना होता है क्योंकि अक्सर जब हम भूलों को सुधारने की बात करते हैं तो हम ये कह समझते हैं कि बाहर से किसी चीज़ को हम ठीक कर देना मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसने शराब पीनी बंद कर दी तो हम कहते हैं कि उसकी भूल सुधर गई आ, लेकिन वास्तव में वही चीज़ कोई दूसरा रूट कई बार ले लेती है ठीक बीमारियों की तरह कि हम लोग एक रोग को ठीक करते हैं किंतु वही ऊर्जा एक दूसरा रोग बन बाहर आती है और उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो तीसरा रूप लेकर के बाहर आती है तो वास्तव में भूलों को सुधारने से कहीं अधिक जो सटीक शब्द होगा वो ये होगा कि हम कैसे भूलों के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करें एक जगह शेरविंद की वाणी है आवर आर ही स्टेप्स ऑन द वे तो जिसको हम भूल कहते हैं वो वास्तव में ज्ञान की ओर बढ़ने वाला पहला कदम होता है और इसको कई तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि आ, मैंने कई बार इसकी बात भी की है कि कोई भी अविष्कार अगर हम देखते हैं कोई भी चीज़ जब अंत में घटित होती है तो उसके पहले बहुत उसके प्रयास होते हैं कई प्रयास विफल होते हैं और आ, बड़ी भयानक भयानक उसमें भूले भी होती हैं जब उड़ने का प्रयास हुआ था तो लोगों ने मोम के पंख लगा के उड़ने की चेष्टा की गिर गए क्योंकि वो पंख गल गए स्वाभाविक है सूर्य की ऊर्जा से इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जिसमें कई विफल प्रयास होते हैं लेकिन उसके पीछे हमको मूल में जाना चाहिए यानी ये वृत्तियाँ जो होती हैं उनके मूल में क्या चीज़ होती है तो बाहर से वो एक वृत्ति के रूप में प्रकट होती है एक व्यवहार के रूप में लेकिन उस व्यवहार के मूल में क्या छिपा होता है उसको हमको देखना चाहिए तो उस तरह से जब हम देखना शुरू करते हैं तो दृष्टि बदल जाती है फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए कि कई चीज़ें जिनको हम भूल कहते हैं वो वास्तव में एक दिव्य संभावना का प्रथम चरण होती है और माता जी इसके बारे में बड़ी सुंदर दो उदाहरण देती हैं तो एक उदाहरण देती हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो कंजूस है तो एवेराइस जिसके अंदर वो तो कंजूस भी है वो चीज़ों को आसानी से छोड़ता नहीं है पकड़ के रखता है पकड़ के तो नहीं रखता एकत्रित करता है और अपने पास वो रखे रहता है तो देखा जाए तो इसको ये कहा जाएगा कि बहुत ही कंजूस व्यक्ति है और कंजूस होना जनरली कोई एक अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती है वही एक दूसरा व्यक्ति होता है जो हर चीज़ को लुटाता रहता है देता रहता है देता रहता है तो बाहर से ये दोनों वृत्तियाँ अगर हम देखें तो एक प्रकार से ये उचित नहीं है सही नहीं है लेकिन अब जो संग्रहित करता रहता है चीज़ों को एकत्रित करता रहता है वास्तव में वो एक प्रकार की दिव्य गति का बाहरी एक डिस्टॉर्टेड रूप है क्योंकि भगवान की एक गति होती है जिसमें वो हर चीज़ को संग्रहित कर लेती है अपने अंदर एकत्र कर लेती है और वही वह व्यक्ति जो बड़ा जनरस है जनरस टू ए डिफॉल्ट मतलब वो केवल उदार नहीं है बल्कि बस देता रहता है लुटाता रहता है चीज़ों को वो वास्तव में भगवान की दूसरी गति है जिसमें भगवान अपने आप को पूरी सृष्टि में उड़ेल देते हैं और अपनी पूरी सृष्टि में वो अपने आप को अति विशालता अति उदारता जिसके कारण वो पूरी सृष्टि में स्वयं को दे देते हैं तो ये समझ हमको तब तक नहीं आएगी जब तक हम चीज़ों को केवल सही और गलत के मापदंड से देखेंगे क्योंकि वास्तव में जीवन एक गति है और गति है वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की इसलिए उसमें कई ऐसे अंतराल छोटे छोटे कदम होते हैं जिसको हम लोग ग्रे जोन्स कह सकते हैं एक क्रिश्चियन मॉरलिटी की सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि उसने चीज़ों को एकदम ब्लैक और वाइट में बांध दिया लेकिन ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं ये जीवन का सत्य है चीज़ें ब्लैक से प्रारंभ होती हैं हर चीज एज इन ए डार्क बिगनिंग ऑफ ऑल थिंग्स लेकिन वो जाती वही सूर्य की ओर प्रकाश की ओर और, और आकाश की ओर क्योंकि उसके अंदर कोई चीज़ है बीच के अंदर जो खिंची खिंचती चली जाती है और वास्तव में उस बीच के ही अंदर सारा रहस्य छिपा है कहने का अर्थ ये कि जब तक हम लोग केवल बाहर से किसी चीज़ को रोकने की चेष्टा करते हैं जिसको दमन कहते हैं तो काम आती है अगर किसी की बड़ी स्ट्रांग मेंटल विल है तो कुछ समय के लिए फिर इसके कारण और दूसरी चीज़ें जन्म लेती हैं जो अच्छी नहीं है फॉर इंस्टेंस आधुनिक समाज में क्या करते हैं लोग तो अब उस वृत्ति को वो बाहर नहीं उजागर करते हैं जैसे एक समय था जब लोग सिगरेट पीते थे लेकिन पिताजी आते थे तो पीछे उंगली कर हाथ कर लेते थे, थे कि हम नहीं पीते हैं तो कई बार इसके कारण एक हिपोक्रेसी भी आती है कि हमारे अंदर वो वृत्ति है लेकिन वो सबके सामने नहीं प्रकट होगी तो अब मनुष्यों से हम चीज़ों को छिपा सकते हैं कुछ समय तक लेकिन जो हमारे बड़े करीबी होते हैं दिन रात जिनका उठना बैठना है उनसे तो नहीं छिपा सकते और उनसे भी अगर छिपा लें मान लो कोई व्यक्ति अकेला ही रहता है उसने किसी को नहीं मालूम है उसके बारे में अकेले रहने की ये बड़ी समस्या है भाई दिवे क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं होता कि आपके अंदर ये फॉल्ट्स हैं तो आप उस भूल को या उस वृत्ति को मल्टीप्लाई करते चले जाते हो क्योंकि एक प्रकार का वो आपको कोई नहीं कहने वाला है और कोई व्यक्ति जब समाज में जाता है लोगों से मिलता है तो बोलने वाले लोग होते हैं कोई ना कोई मिल जाएगा आपको खैर अगर कोई ना भी हो जीवन में तो ईश्वर तो है जो सब सर्व साक्षी है सब देख रहा है और वो भूलों को भूल के रूप में नहीं देखता बल्कि ज्ञान की ओर बढ़ने वाले कदम के रूप में देखता है कई प्रयास जो विफल होते हैं वही सफलता का मार्ग हमारे लिए प्रारंभ करते हैं तो किसी भी वृत्ति को पहली चीज यह है कि अगर हम केवल राइट और रॉन्ग के बेसिस पर देखेंगे तो हम कभी उस पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हम छलांग लगाने की चेष्टा कर रहे हैं ये चीज़ गलत है इसको ना करो नहीं करनी चाहिए सही बात है लेकिन उसका प्रोसेस क्या है हम नहीं जानते तो मन क्या करता है जैसे कई बार लोग शेयर की माता की पुस्तक या किसी भी साधना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो कुछ चीज़ें पिकअप कर लेते हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए एक्स वाई जेड और वो इमिजिएटली मन क्या करता है एक उसका एक इमिटेटिव ट्रुथ बनाता है जैसे वो पौंड रखता ना उसने अपने सारे वो बना दिए या एक चोला पहन लेगा ये, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ शेरविंद आश्रम की कि आपके पास कोई चोला नाम ये सब नहीं दिया जाता है क्योंकि इनके कारण कई बार हम लोगों के अंदर एक भ्रांति पैदा हो सकती है अभी भी हो जाती है कि हमने आश्रम ज्वाइन कर लिया तो हम कई चीजों से मुक्त हो गए ऐसा नहीं है क्योंकि चीज़ें तो ऐसे नहीं होती हैं कि आज आप वो oh, 50 परसेंट पास 49 परसेंट फेल रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता है रियल लाइफ में ये देखा जाता है कि 30 के बाद 31 आया 31 के बाद 35 आया आप फेल हो रहे हो लेकिन प्रोग्रेस कर रहे हो फिर एक दिन आप 50 में आ जाओगे वो तो वहाँ भी अंत नहीं हो रहा है कि आप पास हो गए आप करते जाओगे जब तक परफेक्शन का हंड्रेड टच नहीं करते रियल लाइफ इज़ अबाउट दिस तो वही चीज़ मॉडिफाई होकर के थोड़ी थोड़ी बदल करके तो वृत्तियों में सुधार नहीं बल्कि बदलना ये दोनों अलग चीज़ें हैं सुधार क्या होता है कि सुधर जाना सुधर जाना यानी बाहर से हमने चीज़ों को ठीक कर दी बदलना यानी उनके मूल में जाकर हम उनको या तो निर्मूल करते हैं या समूल उनका कुछ जो भी करना है हम उनको हमें उसको करना होता है अब अगर हम उसके समूल में तभी जाएंगे जब एक तो हम उसको राइट रॉन्ग इस ब्रैकेट में नहीं डालेंगे नहीं तो क्या होगा कई जगहों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं अब तो ये बहुत अच्छा है कि सब उजागर हो रहा है नहीं तो एक समय था जब इंसान दोहरा जीवन जीता था एक जीवन जिसको उसकी प्राइवेट लाइफ कहा गया और एक जो उसकी पब्लिक लाइफ है और इस तरह से वो जीवन जीता था और कई राजनेता बड़े बड़े लोगों ने सीमिंगली बड़े बड़े लोग जिनके जिन्होंने बाहर से बहुत अच्छा कभी कपड़ों से लोग Uh, मूर्ख बनाते थे कभी प्रोफेशन से मूर्ख बनाते थे लेकिन अब ये सत्य का जगत है तो ये तो चीज़ें नहीं छिपी रह सकती हैं वो उजागर होंगी तो अब मनुष्य को उस उन चीज़ों पे एक हार्ड लुक एक सत्यनिष्ठा से चीज़ों को देखना है वो हम तभी देख सकते हैं जब हमारे अंदर एक क्वालिटी है जिसको कहते हैं मेंटली ऑनेस्टी माता जी इस पर कहती हैं कि मेंटल ऑनेस्टी इज़ द फर्स्ट स्टेप टू वर्ड सिंसैरिटी बहुत यूज होता है ये वर्ड सत्य सत्यनिष्ठा माँ कहती है, यदि तुम ये समझ रहे हो कि तुम सत्यनिष्ठ हो दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली इन फॉल्सुड सत्यनिष्ठ तो रूपांतरित हो जाएगा सत्यनिष्ठ होना यानी हर घड़ी हर चीज में हर गति में पूरी तरह एकमात्र सत्य को ओबे करना इससे वेरी कॉन्टैक्ट करना भी आसान नहीं है लेकिन हम कहाँ से प्रारंभ करें मेंटल ऑनेस्टी यानी अपने आप से झूठ नहीं बोले और हम कब झूठ बोलते हैं जब हम एक कन्वीनियंट मेंटल एक्सप्लेनेशन देते हैं हमारा मन एक बहुत ही सुंदर सा एक उसको जामा पहना देता है यानी कोई गुस्सा आता है एक साधारण एक कॉमन एग्जाम्पल दे लें गुस्सा या भय भय को माने सबसे बड़ी इम्प्योरिटी का है सबसे बड़ी अशुद्धि भय है अब कोई भयभीत होता है तो अब वो मानना तो बहुत कठिन होता है ना कि हम भयभीत हो रहे हैं तो कहते हैं नहीं हम भयभीत नहीं है हम तो बस वो पालन कर रहे हैं जो हमको बताया गया है और उसके ऊपर से जब हम माँ शेरविंद की वाणी को कोट कर देते हैं या, या किसी और का उदाहरण दे देते हैं लोग हैं जो ऐसा कहते थे स्वामी विवेकानंद जी को भी गुस्सा आता था तो शेरविंद ने कहा कि जस्ट बिकॉज तुम्हें भी गुस्सा आता है उनको भी गुस्सा आता था तो तुम अपने को कंपेयर कर रहे हो उनसे वेन यू आर नॉट इवन वन टेंथ इज़ ग्रेटनेस तो इस प्रकार से मन बहुत सारे कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन देता है आप कन्वीनियंट एक्सप्लेन एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि कोई चीज़ जो भद्दी है लेकिन हम उसको छिपा रहे हैं इसको मैं आधुनिक कंटेक्स्ट uh, में कहता हूँ मेकअप तो जहाँ कहीं बहुत मेकअप है <laughs> मतलब आप कोई चीज़ प्रोजेक्ट कर रहे हो जो आपके अंदर नहीं है आप दिखाने की चेष्टा कर रहे हो स्वाभाविक रूप से आप अस्वाभाविक रूप से स्वयं को एक, एक, एक रूपवान बना रहे हो तो ये जो चीज़ होती है मेकअप करना ये कवर करती है हम चीज़ों को बहुत सी हमारे अंदर वृत्तियाँ होती हैं एक उदाहरण जैसे मैंने कहा कि क्रोध आता है तो अक्सर आप सुनेंगे क्यों नहीं आएगा वो व्यक्ति ऐसा है जब तक हम बाहर किसी को ब्लेम कर रहे हैं तब तक इतना तो निश्चित है कि हमने पहला क्या एक दशमलव हंड्रेड स्टेप नहीं लिया है रूपांतरण की ओर रूपांतरण क्या इवन ज्ञान की ओर रूपांतरण तो बहुत दूर की बात है जब तक हम बाहर लोगों को व्यक्तियों को जीवन की परिस्थितियों को सरकमस्टेंसेस को सिचुएशंस को अवस्थाओं को ब्लेम कर रहे हैं तब तक हमने प्रारंभ नहीं किया है पथ पर और ये कॉमन चीज़ यही होती है कि हमको गुस्सा आता है क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं हम दुख में हैं क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हैं क्योंकि हमारे पास लोग ऐसे हैं दूसरी जो टेंडेंसी होती है वो भी मनोवृत्ति होती है वो भी और भी घातक है वो क्या होती है सेल्फ ब्लेम की गिल्ट की मैं तो हूँ ही बुरा मैं तो ऐसा हूँ गॉन केस हूँ मेरा कुछ नहीं हो सकता जितनी बार हम इस पर फोकस करते हैं उतनी बार हम उस चीज़ को और अधिक भोजन खिला रहे हैं वो चेरोकी की जो कहानी है जो बहुत सुंदर है कि वो ट्राइब्स हैं चेरोकी ट्राइब्स ऑस्ट्रेलिया में हैं अफ्रीका में भी कहीं कहीं ये ये क्या करते थे ये बहुत इनके अपने कई ट्राइब्स के ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो ज्ञान को ट्रांसमिट करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में तो ये तो ट्राइब्स थे इनको वैसे पढ़ना लिखना नहीं लेकिन देखिए कितने सुंदर ढंग से इन्होंने ज्ञान को ट्रांसमिट करते थे कि एक बच्चे एक कहानी है कहानी के माध्यम से हमारे यहाँ तो भंडार है खैर वो और बात है कि हम लोग नहीं एक्सेस करते हमारे यहाँ तो कहते हैं ना हीरे मोतियों का भंडार है जिसको हम खोल के भी नहीं देखते तो वहाँ तो एक एक मोती देखिए कितना मूल्यवान है तो एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पिता मैंने स्वप्न में देखा कि एक श्वेत और एक अश्वेत काला नहीं कहते हैं आजकल एक श्वेत और एक अश्वेत अब अश्वेत कैन बी एनी थिंग काला दो भेड़ भेड़िए आपस में लड़ रहे हैं वुल्फ तो पिता ने कहा हाँ हमारे अंदर भी ऐसे होती हैं दो वुल्फ लड़ती हैं एक जो हमारी अच्छी वृत्तियों की प्रवृत्तियों की दूसरी जो बुरी प्रवृत्तियों की है तो फिर पिता कौन जीतेगा इनमें से तो पिता मौन रहे कुछ क्षण फिर कहा उन्होंने जिसको तुम भोजन दोगे अब देखिए वृत्तियों को हम कैसे भोजन देते हैं पहला उनको जब हम एक्सप्रेस हर बार जब हम उसको शरीर के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं तो वास्तव में हमने उसको एक अधिकार दे दिया हमारे ऊपर किसी व्यक्ति के लिए ये कई बार घर में मैं बताता हूँ ये हम लोग बचपन से जानते भी थे खासकर अब तो ये संभव है पहले तो एक कमरे दो कमरे के घर होते थे बड़ा कठिन था ये फॉलो करना लेकिन हर किसी को आप अपने बेडरूम में नहीं लाते हो आप कुछ लोग हैं जिनसे आप दरवाजे के ऊपर खड़े होकर बातें करते हो वो भी आपके मित्र ही हैं अच्छा है परिचय है फिर कुछ लोग हैं जिनसे आप ले आए लिविंग रूम में लिविंग रूम होते इसलिए जहां आपने बातें की फिर कभी कभी कोई स्टडी है जिनके पास है वो स्टडी रूम में आप ले गए लेकिन बेडरूम में कौन जाएगा जो आपका बहुत ही आत्मीय है एक बार आप किसी को रास्ता दिखा देते हो अपने घर का घर क्या है हमारे अंदर ये शरीर तो फिर से आता है फिर से जब आप उसको भोजन देते हो वो फिर आता है जब आप उसको भोजन देते हो फॉर इंस्टेंस प्लेजर सीख करने की टेंडेंसी तो आप हर बार जब उसको भोजन देते हो कई लोग जुआ इस तरह से खेलते हैं कि ये आखिरी बार है लेकिन आपने खेल लिया आप खेल लिया तो आपके मन में ब्रेंस में नर्वस सिस्टम में वो चीज़ इनबिल्ट हो गई अब वो इनबिल्ट हो गई दोहराएगी क्रोध अंदर था एक्सप्रेस कर दिया कुछ क्षण के लिए बड़ा अच्छा लगा ये बहुत आजकल आया हुआ है कंसेप्ट कि एक्सप्रेस योर तो हालांकि इसको लोग मॉडिफाई करने की चेष्टा कर रहे हैं कि वो स्लैम बोर्ड्स होते हैं जिस पर आप लिख दीजिए अपने क्रोध को पर आप किसी और को बोलें या स्लैम बोर्ड पे लिखें आपने लिख तो दिया ये एक नई टेंडेंसी आई है कि आप कुछ भी किसी प्रकार की भाषा शब्द आप प्रयोग कर लो नॉट रियलाइजिंग कि एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपने किसी को बोला या नहीं बोला आपने उसको एक्सप्रेस किया अब शरीर क्या हुआ है शरीर के अंदर इन शक्तियों ने देख लिया ये है इसके अंदर घर बनाया जा सकता है तो हर बार जब हम एक्सप्रेस करते हैं वो वृत्ति और स्ट्रांग होती चली जाती है एक तरीका भोजन देने का ये है दूसरा तरीका भोजन देने का क्या है इसके बिल्कुल विपरीत है जब हम हर समय उसके बारे में सोचते रहते हैं और उसके अनुसार स्वयं को लेबल करते रहते हैं हम बड़े बुरे हैं आदम हैं पापी हैं उसको हर समय उसको सप्रेस करने की चेष्टा करते हैं माता जी से एक बार किसी ने पूछा आ, सेक्स के विषय में तो माँ कहती तुम लोग सब समय लड़का लड़की के बारे में क्यों सोचते रहते हो फिर एक जगह कहती है वह एसेटिक जो सन्यासी जो हर समय कोई ना कोई उपाय से भोजन ना करने के प्रयास करता रहता है और वह व्यक्ति जो इंडल्ज करता रहता है कि सारे जिसको कहते हैं फूडी सारे दिन दोनों कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली भोजन के अराउंड उनका ध्यान केंद्रित है आज मैंने व्रत किया है तो क्या है आज भोजन नहीं करूँगा वो और बात है कि शाम को आँख होती है साबूदाने की खिचड़ी पर बड़ी अच्छी होती है टेस्टी सिंगाड़े का हलवा कुटू के आटे की पूड़ी और वो सेंधा नमक वाले आलू हम लोग बचपन में यही हमारा ध्यान रहता था कि शाम को जब व्रत उपास्ट उठेगा तो आज बड़ा स्पेशल रेयर खाना मिलेगा और टेस्टी होता है व्रत का खाना बाई दिवे और जो चालीस दिन का रोज़ा रखते हैं उनका तो हैव सीन ए ग्लटन रात को जो भोजन करते हैं और सुबह सुबह उठ करके कि आज पूरे दिन खाना नहीं है तो इट इज़ अमेजिंग इस तरह के व्रत उपवास से हम कर क्या रहे हैं वास्तव में हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित है तो ये दोनों तरीके एक जो ग्लटन की तरह खाता चला जा रहा है और दूसरा जो उपवास कर रहा है इसीलिए आश्रम के अंदर माने कितनी सुंदर चीज बताई माने कहा यह सब करने की जरूरत नहीं है टेक एज मच एज ईट एज मच एज यू कैन डाइजेस्ट टेक एज मच एज यू कैन ईट अब ये एक बड़ी सुंदर बात है इस एक चीज़ को फॉलो करना ज़्यादा कठिन होता है नौ दिन का उपवास या दस दिन का या चालीस दिन का आसान होता है क्योंकि आपको पता है इसका फिनिशिंग टाइम है और रात को हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं और डाइटिंग भी है एक अच्छी चीज़ है लेकिन ध्यान कहाँ होना चाहिए हमारे ईश्वर पे ध्यान होना चाहिए तो बात ये कि ये बाहर से जब हम प्रयास करते हैं इन चीज़ों को सप्रेस uh, करने की रिप्रेस करने की या केवल एक्सप्रेस करने की दोनों ही अवस्थाओं में वास्तव में उसको हम अंदर ही अंदर घुमा रहे हैं और वो अच्छा नहीं होता कभी कभी जब हम अंदर में हमारा मन विचरण कर रहा है किसी वृत्ति में और बाहर से कर में हम उसका एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो जब एक्सप्रेस करती हैं तो बड़े वायलेंटली एक्सप्रेस करती हैं ऐसा देखा गया है सन्यासियों के जीवन में और यहाँ भी कई बार इसकी घटनाएं भी मैंने कई बताई हैं कि किस तरह से जब वो अंदर में आपने रखा है वो विस्फोट करती हैं या वो कोई विकृत रूप ले लेती हैं क्योंकि आपने उसको देखा नहीं समझा नहीं समुचित प्रयास नहीं किया अंदर में उसको दबा दिया और जब वो फूटती हैं तो बहुत भयानक रूप से बस्ट करती हैं तो ये दोनों चीज़ें इसी चीज़ को गीता कहती है मिथ्याचार और गीता ने दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं एक जगह कहती हैं हाउ हाउ विल कोअर हेल्प तो माता जी ने इस पर कमेंट भी दिया है उन्होंने कहा क्योंकि रूपांतरण की चाबी नहीं है वहाँ पे गीता इज नॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन तो गीता क्या करती है गीता ये उपाय देती है कि तुम्हारे अंदर जो वृत्ति है उसको तुम एक उचित मार्ग दो वो भारतवर्ष में जो स्वधर्म का कंसेप्ट है कि अगर आपके अंदर वायलेंस की वृत्ति है तो आप एक क्षत्रिय का सच्चे क्षत्रिय का रूप लो वार में जाओ पुलिस में जाओ सत्य के लिए लड़ो जो उचित है उसके लिए लड़ो राधर देन उसको दबाओ तो गीता उसमें बड़ा सुंदर रूप देती है कि अर्जुन तेरे अंदर वृत्ति है युद्ध की तू तो एक योद्धा है क्षत्रिय है तू यदि रास्ता अपनाएगा गौतम बुद्ध का तो क्या होगा कि ये तो केवल मिथ्याचार करेगा क्योंकि गौतम बुद्ध एस्केप नहीं कर रहे थे किसी चीज़ से वास्तव में देखा जाए तो वो तो खोज कर रहे थे शोध कर रहे थे और कई लोग जीवन से एस्केप करने के लिए जब ये प्रयास करते हैं तो वो बुद्ध नहीं बन जाते हैं वो केवल एक बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं तो ये यह, यही अंतर है कि इन चीज़ों को दबाने का या एक्सप्रेस करने का ये दोनों मार्ग नहीं है तो फिर मार्ग क्या है एक मार्ग है जहाँ माँ कहती है इसको निवेदित करो माँ बड़े सुंदर ढंग से कहती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज हो जाते हो खासकर एक साधक के जीवन में ये बहुत दोहरी कठिनाई होती है जबकि बाहर में हम वृत्तियों को लिपापोती करके एक वे ऑफ लाइफ है अगर आप बाहर में जीवन को देखें तो बाहर से जीवन को बड़ा कई कारणों से लोग अच्छे होते हैं आपको आके बड़े सुंदर ढंग से बात करेंगे गुड मॉर्निंग सर आप कैसे हैं क्यों क्योंकि मार्केटिंग है बाहर में कॉमर्स है वो आपसे से बात नहीं कर सकते हैं जिसके कारण अगर यदि आप रुष्ट हो गए कुपित हो गए पुलिस है ये है नाना प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि कोई भी अगर आपके क्लिनिक पे आ जाए या कहीं पर आप आ, एंट्री हो रही है तो आपने वहाँ कभी आपने कभी देखा है कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ आदमी है और आपके साथ दुर्व्यवहार करे नहीं करेगा क्योंकि उसकी नौकरी चली जाएगी इसलिए नहीं कि वो अंदर से बड़ा रूपांतरित व्यक्ति है आप डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे हैं सब लोग आपसे लोग बड़े इंप्रेस होते हैं कि देखो कितने अच्छे लोग हैं कितने अच्छे आपको वेलकम कर रहे हैं इसलिए वेलकम कर रहे हैं क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि आपका क्लिनिक नहीं चलेगा आपको अस्पताल को चलाना है तो आपको इस तरह का एक पूरा इमेज क्रिएट करनी इसको कहते हैं क्रिएटिंग एन इमेज एडवर्टाइजमेंट का ये माध्यम होता है लोगों ने सीख लिया है लेकिन एक साधक के जीवन में ये इमेज मेकओवर नहीं चलता है शेरविन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शो और शैम साधना के साथ नहीं जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं जैसे गोपियों के वस्त्रहरण वस्त्रहरण नहीं है वो उनके रोब्स जिसमें वो छिपे हुए हैं अपने को पूरी तरह भगवान को नहीं दे रहे हमारे अंदर वृत्तियाँ छिपी हैं भगवान उन सबको उजागर कर देते हैं और हमको देखना पड़ता है फोर्स होकर देखना पड़ता है यदि हम अपने अंदर स्वयं नहीं देख पाते तो वो ऑब्जेक्टिव रूप ले लेती है इससे हमको बाहर वो निकल के आती हैं किसी ना किसी रूप में और हमको देखना पड़ता है कन्फ्रंट करना पड़ता है दूसरा प्रत्येक साधक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी वो इस योग में जो जुड़ा है वो केवल अपने लिए किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है वो उस प्रकार के मनुष्य की समस्या को अपने अंदर धारण कर रहा है और वो कर सकता है क्योंकि यहाँ पे समूल उनका नाश होना है तो जबकि बाहरी जीवन में हम चीज़ों को बाहर से देखते हैं यहाँ भगवान एकदम अंदर तक उनका एक्शन होता है सत्य का एक्शन होता है शक्ति का एक्शन होता है तो वो चीज़ जिसको हमने नाइस कवर्स में बाहर के जीवन में चल जाता है लोग तो पूरा जीवन एक कवर कवर अप करके जीते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है इस योग में नहीं चलता है यहाँ की बात केवल मैं आश्रम की नहीं कर रहा हूँ पर आश्रम में इसका बहुत इंटेंस प्रभाव है बाहर ये चीज़ अब हो गई है शुरू बहुत इंटेंसली इसलिए बाहर भी आप छिपा नहीं सकते हो चीज़ों को आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी आप बोल बोल दोगे ऐसी चीजें जो आजकल इस पर तो बहुत कुछ आ रहा है क्योंकि अब सत्य का युग आ गया है तो आपको निकालेगा निकालेगा वो अंदर लेकिन फिर भी लोग कवर अप करके जीवन जी लेते हैं यहाँ पे वो बाहर निकलती है अब बाहर जब निकलती है तो अगर कोई व्यक्ति घबरा जाए या राइट रॉन्ग तो वो फिर उसको कवर करेगा लेकिन वो नहीं करना है जस्टिफाई नहीं करना है जिस चीज़ को हम जस्टिफाई करते हैं सुंदर सा एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि इस कारण है और अंतिम जस्टिफिकेशन क्या होता है मैं क्या करूं मेरी प्रकृति ऐसी है भाई आप प्रकृति को बदलने आए <laughs> प्रकृति ऐसी है एक्सक्यूज़ कहीं और चल सकती है एक तरह के निर्वाण वाले योग में चल सकती है लेकिन यहाँ पर नहीं चल सकती क्योंकि प्रकृति का रूपांतरण तो इस योग का एक लक्ष्य है तो प्रकृति ऐसी है ये नहीं चलेगा मैं क्या करूँ मेरे अंदर रिएक्शन आते हैं मेरे अंदर घृणा आती है इट डजेंट आउट आती है ये आपकी समस्या है और उसको आपको टैकल करना है आप ये नहीं कह सकते उस व्यक्ति को मैं देख नहीं सकता हूँ आपको अपनी दृष्टि बदलनी है व्यक्ति को नहीं बदलना है आप व्यक्ति को जब तक बदलने की चेष्टा कर रहे हो यू विल फेल क्योंकि वो व्यक्ति चला जाएगा वो दूसरा रूप लेकर के आएगा दूसरा व्यक्ति आ जाएगा आप एक डिपार्टमेंट बदलोगे वही समस्या दूसरे डिपार्टमेंट में आएगी तो यहाँ तो आपको अपनी दृष्टि बदलनी है आपको हृदय को उदार बनाना है विशाल बनाना है दूसरे को बदलने की का प्रयास तो इवन लॉजिकली सबसे बड़ी जीवन की मूर्खता जो यूनिवर्सल है हिमस से जब कोई कहता है वो व्यक्ति नहीं बदल रहा मैंने बड़ा प्रयास किया अरे ये तो संभव ही नहीं है आप असंभव चीज़ का प्रयास कर रहे हो आप बोलोगे कि मैं हिमालय पर्वत को उखाड़ लूंगा अरे यू कैनॉट डू इट ये कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं बदल सकता जिस दिन हम ये जान जाते हैं तो हृदय के अंदर बहुत शांति होती है क्योंकि तब हम सही फोकस हो जाता है कि बदलना एक ही बंदा है जिसको हम बदल सकते हैं वो है हम स्वयं अब कैसे बदलना है पहले कवर अप नहीं जस्टिफिकेशन नहीं चीज़ों के मूल में जाएं बाहरी व्यवहार के पीछे जो वृत्ति है कई बार बाहर का व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन वृत्ति बड़ी खतरनाक होती है ऐसी फेक स्माइल्स होती हैं लोग सीख जाते हैं अच्छा बोलना अच्छे उससे क्यों क्योंकि ये व्यवहारिकता में अच्छी चीज़ है लोग कुछ गलत भी बोल रहे हैं आप चुपचाप सुनते हो सिर हिलाते हो नोटिस किया ना कई बार हाँ हाँ आपका अंदर में हो रहा है ना ना अंदर में चल रहा है ये बेवकूफ़ी की बात कर रहा है लेकिन बाहर से आप हाँ हाँ आप वेट कर रहे हो कि ये कब जाएगा कब बंद करेगा लेकिन हाँ हाँ बोल रहे हो अब देखिए बाहर से ये अच्छी लग रही है वो भी बड़ा खुश हो के गया कि मी गिफ्ट हियरिंग लेकिन ना उसका कोई कल्याण हुआ ना आपका कोई कल्याण हुआ क्योंकि आपने सत्य उसको भी नहीं बताया शायद अगर आप सच बोल देते हो सकता है उसको दो क्षण को बुरा लगता लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं या तो आपका पीछा छोड़ देता <laughs> या फिर वो शायद प्रयास करता देखने का कि हो सकता है कुछ सही हो इस बात में तो ये हमको उसको कवर अप नहीं करना है अपने ही अंदर देखना है उसके मूल में जाना है बाहर के व्यवहार में नहीं बाहर का व्यवहार सुंदर और सुंदर, सुंदर मतलब एक अच्छा लगने वाला हो सकता है लेकिन अंदर में उसके वृत्ति या मनोवृत्ति मनोभाव गलत हो सकता है उसी तरह कभी कभी बाहर में व्यवहार देखने से उतना अच्छा ना लगे लेकिन अंदर में उसके अच्छा भाव भी हो सकता है काली जी को अगर बाहर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कैसा महाविनाश हो रहा है लेकिन आप उनके हृदय में देखोगे तो अगाध प्रेम है माँ का ऐसा प्रेम नहीं इतना इंटेंस प्रेम है और प्रेम का रैप्चर है एक बार उनके हृदय की हल्की से झलक मिल जाए तो कहते माँ आओ टेक मी बट बाहर से अगर आप देखेंगे तो देवता भी कांप जाते हैं तो चीजों के भीतर देखने की दृष्टि हमको डेवलप करनी है वो तब जब हम स्वयं को इस तरह से देखें और अंत में मोस्ट इंपॉर्टेंट माँ कहती है कि हिप्नोटाइज नहीं होना है अपनी भूलों से कि ओ मैं तो क्या गुजरा हूँ मैं क्या करूंगा यह असंभव है कुछ भी कुछ भी कुछ भी असंभव नहीं है कृपा के लिए और ये केवल कहने की बात नहीं है ये आजमाया हुआ नुस्खा है <laughs> कईयों का और मैंने स्वयं में भी देखा है सब साधकों ने देखा होगा आई एम sure. श्योर आप कोई चीज़ होती है अगर आप गिव अप नहीं करें परसिस्ट करें मेन चीज़ होती है कि गिव अप नहीं करना है हम लोग गिव अप कर देते बहुत जल्दी क्यों क्योंकि हमें विश्वास नहीं श्रद्धा नहीं है धैर्य नहीं है ना धैर्य है कोई चीज़ पुनरावृत्ति होती रहती है साल दो साल पांच साल आपको हमारे अंदर तो धैर्य ऐसा होना चाहिए कि पूरा जन्म लग जाए लेकिन हम गिवअप नहीं करेंगे कौन जाने है? अंतिम समय ही भगवान छुड़ा दे ऐसे इंस्टेंसेस हैं माने कहा है कि ये व्यक्ति इस वृत्ति से लड़ता रहा पूरे जीवन लेकिन वो नहीं पूरा ख़त्म कर पाया मृत्यु के बाद मैंने उसको उसके भाग को ही पूरा अलग कर दिया अब वो तीन जन्मों की छलांग लेकर के बर्थ लेगा क्यों क्योंकि उसने ट्राई करता रहा अब इसमें बड़ी सुंदर सावित्री की पंक्तियां हैं इवन दो रिफ्यूज़ल इवन दो वन मेंटेन्स द अनसीन डिक्री दाई रिफ्यूजल इज रिटर्न इन दाई क्रेडिट पेज फॉर डूम इज नॉट ए क्लोज अटिक सील अंतिम समय तक हमको गिवअप नहीं करना चाहिए कि अब हम तो ऐसे ही हैं जहाँ हमने ये भाव लिया कि हम तो ऐसे ही हैं वहाँ हमारा रिटायरमेंट शुरू हो गया स्पिरिचुअल रिटायरमेंट <laughs> और जहाँ ये भाव नहीं करूँगा होगा माँ की कृपा अपने शक्ति से नहीं निर्भर कर सकते हैं अपना प्रयास करना चाहिए अपनी विल को स्ट्रांग बनाना चाहिए लेकिन पता होना चाहिए ये मूल ये जो चीज़ें हैं वो मिलियन ईयर्स पुरानी हैं पशु राक्षस असुर ये हमारी इवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं इतने आसानी से नहीं जाती हैं लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है लेकिन वी हैव टू अलाउ इट टाइम भगवान क्या करते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं मॉडिफाई करते हैं धीरे धीरे वो एक नया रूप लेके आएगी नया रूप लेके आएगी हर बार वो थोड़ी 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 रूपांतरित हो थो रही है जो रूपांतरित हो सकती वो जिसको रूपांतरित नहीं हो सकती जैसे कुछ ऐसी बाहरी आदतें लत जिसको कहते हैं वो छूट जाएगी यूँ छूट जाएगी लेकिन कुछ चीज़ें जो जैसा कि मैंने कहा कि वो वास्तव में वो एक दिव्य गति का एक विकृत या प्रारंभिक रूप है और वो धीरे 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 भगवान रूपांतरित करेंगे इसका बड़ा सुंदर एक उदाहरण श्री अरविंद बताते हैं ये ट्रोजन वार की बात है उसमें बताते हैं कि एचलीस इतना दुर्दांत योद्धा था कि वास्तव में उसको एक प्रकार से किलिंग मशीन कहा जाए तो अतिशोक्ति नहीं होगी होमर की जब आप पढ़ते हैं तो उसमें दिखता है वो किलिंग मशीन है वो युद्ध में उतरता है ना तो गाजर लिटरली गाजर मुली का कोई योद्धा के साथ अगर जाता है तो महाभारत के योद्धाओं के साथ नहीं जाता है एचलिस के साथ जाता है पूरी नदी को उसने रंग दिया स्टिक्स को लाल एक बार वो कूदा तो सौ सौ सव के झुंड ऐसे गिरे पते नहीं चल रहे कौन कहा जा रहा है ऐसा योद्धा था लेकिन उसी एचलिस के मन में टुवर्ड द लेटर पार्ट एक करुणा जागती है प्रेम जागता है तो वो कई बार कुछ वृत्तियों को हम एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं एक जीवन ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी हैं इसलिए हमको बहुत धैर्य रखना चाहिए और भगवान ऐसे ऐसे रूट से इन चीज़ों का निराकरण करते हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते एक बार किसी ने एक थी यहाँ पे साधिका तो उनको बहुत ब्लीडिंग होने लगी पीरियड्स का जो होता है और बहुत अधिक परेशान हो गई तो उन्होंने श्री अरविंद को प्रार्थना लिखी श्री अरविंद ने आशीर्वाद हाँ सब ठीक होगा पर वो कंटिन्यू करती रही फिर परेशान हो गई थोड़ी घबरा गई तो उन्होंने फिर पूछा तो शेरविंद का उत्तर आया उससे कहो कि चिंता नहीं करे उसके अंदर जो सर्टेन डिजायर्स हैं कुछ जो कामनाएं हैं उनको मैं मातृत्व की कामना फॉर इंस्टेंस मैं इस प्रकार से वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं समूल नष्ट होने के लिए टेल हर नॉट टू वरी तब उसको समझ आया कि ये तो होम्योपैथिक दवाई भगवान दे रहे हैं ओरिजिनल होम्योपैथी भगवान की है वो क्या करते हैं उसी चीज़ को धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए जो रूपांतरित हो सकती है रूपांतरित हो जाएगी जो बाहर से दिख रही है लस्ट जिसके पीछे वास्तव में शुद्ध प्रेम का बीज है तो वो शुद्ध प्रेम में रूपांतरित होगी कुछ चीज़ें हैं जो केवल विकृति है भय भय हैज टू गो बिकॉज इट अपोजिट फेथ बट देर आर टेंडेंसी जैसे क्रोध है क्रोध कैन बी ट्रांसफॉर्म क्योंकि क्रोध के पीछे अगर हम देखें तो एक जो भगवान की वह शक्ति जो विनाशकारी शक्ति है जो पुरानी चीज़ों को नष्ट करना चाहती है ताकि नई चीज़ें प्रकट हों जितने आइकनो क्लास्ट रहे हैं इसीलिए कई बार लोग स्वामी विवेकानंद को नहीं समझ पाते थे उनका क्रोध क्रोध नहीं था वो एक न्याय की उनमें बहुत स्ट्रांग टेंडेंसी थी और साथ में आइकनो क्लास्ट थी कोई भी चीज़ केवल बाहर से दिख रही हो तो उसको उनको कई लोग चंपकलाल जी को इसलिए नहीं समझ पाते थे क्योंकि वे चीज़ें जो उनको दिखती थी कि हिपोक्रेसी है वो सीधा उसको नष्ट करना चाहते तो वास्तव में जो जो एक कमज़ोर व्यक्ति के अंदर क्रोध के रूप में प्रकट होता है क्योंकि उसके अंदर क्षमता नहीं है वही देवभाव में वो एक उस टेंडेंसी के रूप में हो प्रकट होता है जो पूरे वेग से संसार में जो कुछ भी अनुचित है जो अंधकार में है जो मात्र एक बाहरी हिपोक्रेसी के एक आर्टिफिशियल रूप में प्रकट हो रहा है उसको वो नष्ट करता है कई चीज़ें हैं जो रूपांतरित हो सकती हैं और उनको भगवान गिव अप नहीं करते हैं जब भगवान गिव अप नहीं करते हैं तो हम कौन है गिवअप करने वाले <laughs> जब भी कभी जीवन में ऐसा लगे कि ये तो बहुत बड़ी आ, हम हमारा कुछ नहीं हो सकता उस समय भगवान से कहना चाहिए स्वयं को कहना चाहिए भगवान को ये बात पता है पर कहना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े दुर्दांत लोगों को उन्होंने जब रावण को उन्होंने अपना भक्त बना दिया हम तो लोग इतने बुरे तो नहीं हैं अगर हम वर्स्ट केस भी हैं तो उनकी कृपा भी इतनी अधिक है कि वो हर चीज़ को ठीक कर सकते हैं वो एक ऐसे हीलर हैं और ये सच है कि जितनी बड़ी हमारी आंतरिक संभावना होती है उतनी बड़ी हमारे साथ शैडो चलती है कभी कभी ये देखा गया है अक्सर कि जो व्यक्ति जितनी बड़ी संभावना को लेकर पैदा होता है माँ कहती है कई बार जन्म से ऐसे व्यक्ति के साथ वो एक छाया के रूप में कोई चीज चिपकी रहती है उसका काम क्या है उसको परफेक्ट करते जाना उसके अंदर एक एक संभावना है वो बार बार ऐसा लगे है कि उस संभावना के बीच में टांगड़ आ रहा है क्योंकि उसके अंदर ये संभावना है वो वो बार बार एक स्पॉय स्पोर्ट का काम करेगा लेकिन वास्तव में उस स्पॉल स्पोर्ट है नहीं मतलब बाहर से है लेकिन वो हमको और अधिक परफेक्ट करता जाता है उस वृत्ति को जिस चीज़ की हम संभावना लेके पैदा होते हैं महत संभावना की उतनी बड़ी हमारे साथ छाया हमारे पीछे रहती है ताकि वो हमको सीधा मार्ग पे रख सके संभावना है तो हम गिवअप भी नहीं करते ये होता है ऑटोमेटिक होता है क्योंकि सोल के अंदर ये ज्ञान होता है इनबिल्ट बाहरी पर्सनालिटी नहीं जानती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर अवस्था में माँ को पुकारना उनको अर्पण करते जाना ऑफर करते जाना माँ कहती हैं अपना सबको अपना अपना भार अन भारडिवाइन का या एंटी डिवाइन का वहन करना होता है कोई ऐसा नहीं है कि ये साधु संत है और ये इस तरह के लोग ऐसा नहीं है हर किसी के अंदर साधुत्व भी होता है और हर किसी के अंदर एक अहंकारी एक व्यक्ति या कई रूप अहंकार से बुरा कोई वृत्ति नहीं इसलिए मैं अहंकार एक अल्टीमेट उसके रूप में कह रहा हूँ शेरविंद कहते हैं दो सबसे बड़ी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं सुनने से हम लोग को आश्चर्य होगा कहते हैं एक है स्वार्थ सेल्फिशनेस दूसरा मीननेस शुद्रता शुद्र लोग जो होते हैं ना बड़े संकोचित हर चीज में केवल बस अपना सोचना पर वो कहते हैं कि इन ये महापाप है इनको कभी क्षमा करना कठिन होता है फिर कहते हैं लेकिन ये इतने यूनिवर्सल हैं कि इनको भी क्षमा कर देना चाहिए उसी तरह दो वृत्तियाँ जिसको वो वर्चूज बताते हैं साधारण रूप से हम लोग इसको वर्चू नहीं कहते हैं वो कहते हैं ये दो चीज़ें अगर किसी में है तो कुछ और ना भी हो तो वो उसकी सोल को बचा सकती हैं और कहते हैं वो है करेज एंड लव करेज एंड लव साहस और प्रेम आर द ओनली इनडिस्पेंसेबल वर्चूज़ और दे के दे अलोन कैन मेक द सोल ए लाइफ इनके अंदर वो शक्ति और सामर्थ्य होता है तो कभी भी अपने अंदर देख करके, पहले तो देखना चाहिए ये जरूरी है ये नहीं कि हम दूसरों के अंदर बुरा जो देखा मैं चला मुझसे बुरा ना कोई तो शाश्वत सत्य है अपने अंदर देखना चाहिए अपना दूसरों की बुराइयां देखना वास्तव में समय का मोस्ट हॉर्बल अपवे है स, और माने यहाँ तक कहा है कि दूसरों की बुराइयाँ देखना उसके बारे में गॉसिप करना सिलेंडर करना स्पिरिचुअल सुसाइड है खासकर जब तुम इसको गंदे शब्दों में भद्दे शब्दों में करते हो हर कोई अपनी अपनी कठिनाई से लड़ रहा है जब हम अपने अंदर लड़ते हैं तब तो हमारे अंदर फिर एक जनरस टॉलरेंस आता है माने वर्ड यूज़ किया है सनी टॉलरेंस एक उदारता आती है क्योंकि हमको पता चलता है इतना आसान नहीं है हमारी अपनी समस्याएँ दूसरे की अपनी है हमको अपनी समस्या बड़ी लगती है दूसरे को उसकी समस्या बड़ी लगती है हर किसी के लिए हमारे लिए एक चीज़ समस्या नहीं है वो बहुत आसान है सॉल्व कर देना लेकिन दूसरे के लिए वो चीज़ जो हमारे लिए आसान है बहुत कठिन है तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम कि दूसरे की प्रॉब्लम क्या है ऑफ कोर्स साइकेट्रिस्ट हो तो आपको कोई चॉइस नहीं है <laughs> पर अदरवाइज <laughs> दूसरे की समस्याओं में ध्यान मत दीजिए उससे ना आपका भला होगा ना दूसरे का भला होगा ना गाइडेंस देने की हम लोगों की क्षमता है या मैं शब्द यूज़ करूँ औकात है <laughs> कि गाइडेंस तो वही दे सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है अदरवाइज़ ये सारी मेंटल गाइडेंस वेर ऑल मीनिंगस और वो भी तभी दे सकते हो जब आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि उसके आंतरिक बींग के साथ आप आइडेंटिफाई कर सको अदरवाइज बेस्ट टू लेट थिंग्स इवॉल्व इन दर ओन वे हर चीज़ के पीछे भगवान है जन्म जन्मांतर की यात्रा है जिस पर लोग हेल्पफुल होना चाहिए वो एक अलग चीज़ है दर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बिंग हेल्पफुल एंड बिगनिंग टू गाइड पीपल कि भाई आओ हम पकड़ करके तुमको एक कुछ <laughs> हाँ आप हेल्पफुल होना चाहिए एक जॉयस शेयरिंग होनी चाहिए लेकिन गाइडेंस व्यक्तिगत वो बड़ी एक बहुत बड़ी बात है वो बिना भगवान के मैंडेट के किसी को ना ही दे तो अच्छा है खैर उसकी जगह अपनी चीज़ों को देखें ना उनको एग्जिजरेट करें मैं तो गया गुजरा हूँ क्योंकि हर किसी में अच्छी भी होती है बुरी भी होती है ना उनको इग्नोर करें और एक कपड़ा डाल दें कि नहीं मेरे अंदर नहीं है चीज़ें जहाँ जैसी जिस अनुपात में उतनी देखनी चाहिए हर किसी के अंदर सुंदर चीज़ें होती हैं सुंदर भी होती हैं और जो जैसी हैं फिर जब एक बार टारगेट फोकस सुंदर पर होना चाहिए माँ कहती हैं सत्तर अस्सी प्रतिशत ध्यान उस पर होना चाहिए जो तुम बनना चाहते हो ना कि वो तुम छोड़ना चाहते हो अंधकार चला जाए अंधकार चला जाए उसकी बजाय प्रकाश आए प्रकाश आएगा तो चला जाएगा मेरे अंदर बहुत अज्ञान है अज्ञान है तो ये अज्ञान से अज्ञान में लड़ेंगे कैसे ज्ञान ज्ञान की चाह ज्ञान की प्यास ज्ञान की तलाश ज्ञान आता है तो ज्ञान चला जाता है तो मेन चीज है कि हमको हमारा मेन एफर्ट होना चाहिए टूवर्ड्स द सुंदर जो सुंदर है उनको कल्टीवेट करने में और जो असुंदर है उसको भगवान को अर्पित करते रहना है बिना कवर किए जैसा है वैसा और इस अभिप्सा के साथ कि हे माँ आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है आपकी कृपा से इसको रूपांतरित करो तो ये एक लंबी यात्रा है धैर्य अंत में वही जीतता है जिसके अंदर धैर्य और श्रद्धा होती है माँ कहती हैं द विक्ट्री कम्स टू द मोस्ट परसिवरिंग और दो शब्द जिसपे उन्होंने जोर दिया है एंड्योरेंस सहन शक्ति दिखेंगी चीज़ें निकलेंगी चीज़ें जिसकी कल्पना भी नहीं की थी हमारे घर के अंदर मनुष्य के सांप बिच्छू होते हैं तो माँ कहती हैं एंड्योरेंस सहन शक्ति और दूसरा फेथ सहन शक्ति और श्रद्धा और समर्पण यही मार्ग है और इस पर जो चलता रहता है अंत में सब चीज़ों को निर्मूल कर देता है या रादर भगवान की शक्ति हर चीज़ को निर्मूल कर देती है नमस्ते